था, मेरे को अपने में कॉन्फिडेंट आ गया था बीटेक के थर्ड ईयर में कि भाई इजी है लाइफ तो, चिल है मामला, कोई दिक्कत नहीं, अपना सिंपल है। दोस्त भी मेरे पढ़ने वाले थे, अब पढ़ने वाले दोस्त ये थोड़ा ना तो मैं साले पेपर में लिख के दे देंगे। देन मेरी चार बैग लगी, मैंने देखा पूरी शीट मेरी आई, मैंने बोला यार सर मैं तो कोड पूरा सही है, क्योंकि मैंने बगल वाली लड़की से छापा था, वो उस लड़की के दोनों एग्जीक्यूट हो गए थे, तो मैंने यार मैंने भी से छापा है तो मेरे भी होंगे। भाई देखो ग्राफिक वगैरह से प्लेसमेंट तो ले लोगे भाई, जिंदगी में क्या करोगे, बच्चों को क्या बताओगे कि हमने क्या करा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज फिर से मैं जो व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ कॉलेज से कर रहा हूँ स्टार्ट, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई तुम कॉलेज तो बहुत कम जाते हो। पहली बात मैं बताऊँ तो मेरा कॉलेज ना खत्म हो चुका है, थोड़े बहुत काम रहते हैं मेरे यहाँ पे। अभी आज जो कॉलेज आने का मेन रीज़न पता क्या है, मेन रीज़न ये था कि आज जो यहाँ कॉलेज में स्टार्टअप्स है ना उससे हमारी डील हुई है, और डील हो चुकी है, बस वो हम थोड़ा सा बोल रहे हैं मगर पैसा ज़्यादा चाहिए भाई, सिंपल सा काम है, क्योंकि भाई हम काम बहुत अच्छे लेवल का करके दे रहे हैं, तो इस चक्कर में थोड़ा सा उनसे हमारी बातचीत चली, मतलब करीबन आधे एक घंटे चली करीबन बातचीत। अभी बोल रहे कि भाई हम पैसों का देखते हैं, अगर बढ़ सकता तो ठीक है, अदरवाइज उसी पे में करना तुम काम। मैंने नहीं भाई उसमें तो नहीं करेंगे, फिर देखते हैं क्या करते हैं। क्या सोचते हो विशाल भाई, आप बताओ। हमारे बिजनेस पार्टनर 30% का इनका वो है, ये 30% का सीन भी तुम्हें बताऊंगा बाद में। हाँ बताओ विशाल भाई। भाई ऐसी बात है कि देखो हम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जी अपने कस्टमर को जी, और अभी तक जिन्होंने भी हमारे साथ काम किया तो ये रिजल्ट रहा है कि सबको हमारा काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, टिप्स भी मिली है जिस वजह से हम लोग को भाई एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिली है। मैं आप लोगों को बता दूँ ये कि हमने इतना अच्छा काम करा, टोटल नहीं बताएंगे कितना है हाँ, ठीक है, बट मिली है वो बहुत ही ज़्यादा है हमारे लिए। मतलब यार ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था कि मतलब ऐसा भी कुछ ऐसा भी मिलेगा, और उसके बाद ये हुआ कि उनका ये कहना था कि भाई कि तुमने जितना भी हमने तुमको दिया वो कम था, बट वो हमारे लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा था। देखो एक डील फिक्स होती है कि अगर तुम मैं काम कर रहा हूँ 1 लाख में, तो 1 लाख फिक्स है भाई, इसमें अगर मेरा लॉस हुआ चाहे मेरा प्रॉफिट हुआ वो मेरा है, बट अगर लॉस भी हो रहा है तो वो भी मेरा है, क्योंकि मैंने फिक्स कर दिया वहाँ पे साइन हो गया। बट जो क्लाइंट थे वो समझदार थे, उन्होंने सोचा कि भाई इनको लॉस हो रहा है इस बार, तो उन्होंने हमको एक्स्ट्रा रुपीज दी कि हाँ ये थोड़ा बहुत अपना रिकवर कर ले। तो गाइज आज ना मेन जो क्वेश्चन था ना, मेरे काफ़ी टाइम से लोग पूछ रहे थे कि भाई तुम्हें 6 साल हो चुके कंप्लीट यहाँ पे ग्राफिक एरिया में, बट तुमने आज तक ये नहीं बताया कि तुम्हें कैसा लगा। मतलब मैंने ये तो बताया मुझे कैसा लगा, बट तुमने अपनी जर्नी नहीं शेयर करी है कि भाई एक्चुअल में है क्या कॉलेज, एक्चुअल में तुम्हें क्या फील हुआ इन 6 सालों में। तो देखो 2016 से स्टार्ट किया था मैंने यहाँ पे, और जब मैं 2016 पे यहाँ पे आया था तो मेरे को सिंपल यहाँ पे ना मतलब थोड़ा सा ऑड सा लगा था, क्योंकि देखो मैं छोटे स्कूल से आया था, केवी ज़्यादा छोटा नहीं, बट जो मेरा वाला था स्कूल वो छोटा था, केंद्रीय विद्यालय आईवी जो मोगमपुर पे है, तो मैं वहाँ से आया था तो वो छोटा स्कूल था। अब तो खैर बड़ा हो चुका है मेरा स्कूल भी, बट उस टाइम बिल्डिंग नहीं थी, तो मैं यहाँ पे आया था थोड़ा सा मेरे को बिल्डिंग्स वगैरह देखी, मेरे को लगा कि यार यहाँ पे ना मैं पिट जाऊँगा ऐसा लग रहा था मुझे एज अ मतलब एक स्मॉल स्कूल से आया हुआ बंदे को। बट धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा कोप अप हुआ। फर्स्ट ईयर में मैंने मतलब मेरे कुछ दोस्त वगैरह बने, और मतलब देखो अच्छे भी बने गंदे भी बने, बट मेरे जो थे सारे ही दोस्त अच्छे भी थे गंदे भी थे, क्योंकि भाई देखो ऐसा नहीं होता ना कि जब कॉलेज में आते तो पंगे वगैरह भी बहुत होते थे, तो क्योंकि हम रहते भी थे पंगे पुंगों में, तो फर्स्ट ईयर में जो थोड़ा होता ना खून गर्म वगैरह सी। तो फर्स्ट ईयर में सबसे पहले जो मैंने सीन किया था वो किया था कि भाई सबसे पहले मैंने सीनियर्स के साथ ना बॉन्ड बनाए थे अपने, और अच्छे बॉन्ड्स बनाए थे मैंने, ताकि उनसे मेरे को पता चल जाए कि भाई एक्चुअल कॉलेज में मतलब कैसे मेरे को रहना है, किन चीज़ों में फोकस करना है। तो फर्स्ट ईयर में टोटली मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फोकस रखता था अपना, 2016 की बात है ठीक है, 16 से 17 की बात है, तो बहुत ज़्यादा फोकस रखा मैंने और मतलब पढ़ाई पे रहा, बट मैं आप लोगों को मैंने इतना अच्छा स्कोर नहीं किया फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में जो मैं फोकस करता था वो सिर्फ मैं फोकस करता था कि मेरी बैक ना लगे, भगवान किसी भी सब्जेक्ट में अगर बैक लगेगी तो पापा बहुत पिटाई करेंगे कुटाई करेंगे मेरी बढ़िया करके, ये हर स्टूडेंट सोचता है। देन उसके बाद फर्स्ट ईयर में मेरे को ना एक मैथ्स के टीचर अच्छे मिले थे, उनका नाम है धीमान सर, शायद वो हिल यूनिवर्सिटी में HOD हैं, अगर मिलेंगे तो उनको बोलना आपका स्टूडेंट बहुत याद कर रहा था आपको। वो बहुत अच्छे थे, सपोर्टिव थे, और उन्होंने ना काफ़ी सपोर्ट किया, मतलब एज अ मैथ्स टीचर मैं देखूँ ना बाकी जो सेक्शन को पढ़ाते थे, गिरिराज गुप्ता था, अगर आप लोग 2016-17 से पहले के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को पता होगा गिरिराज था ठीक है, तो वो उनके अकॉर्डिंग धीमान सर बहुत अच्छे थे, और मैं पर्टिकुलर नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा सर का बिहेवियर। गिरिराज सर से मैं कभी पढ़ाई नहीं किया तो मेरा हेड भी नहीं है ठीक है, बट मैं उनसे पढ़ाई नहीं तो मैं उनके बारे में गलत नहीं बोल रहा, मैं बता रहा हूँ ठीक है, ये मैं समझ रहा हूँ, मैं गिरिराज सर को भाई ये बोल रहा हूँ कि वो ऐसे ना मैंने पढ़ा नहीं तो मैं बोल भी ना, मैंने धीमान सर से पढ़ा, एक्चुअल में बूम सर थे एक नंबर भाई, क्या बोलूँ भाई, हर चीज़ में सपोर्ट करते थे।
उनकी एक बात जो मेरे को अच्छी लगी, पता क्या अच्छी लगी थी, उनने बोला देखो कई बार ना हम एबसेंट हो जाते थे, मतलब 1-2% से ना हमारा ना दिबाड़ का सीन लग जाता था। तो सर ने मेरे को एक चीज़, मतलब सर ने मेरे को क्या पूरी क्लास को बोली थी, देखो यार तुम्हारे 1-2% से अगर तुम्हारे दिबाड़ रुक, मतलब तुम दिबाड़ होने से बच जाते हो तो मैं दे देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते थे लापरवाह होते थे, तो सर बोलते थे देखो तुम तो लापरवाह हो बट तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं जो तुम्हारे ऊपर पैसा लगा रहे हैं मैं उनका ख्याल रखता हूँ, कि उनके चक्कर में तुम्हें दिबाड़ फीस 2000 रुपये और देनी पड़ेगी। देन उसके बाद सेकंड ईयर आया, सेकंड ईयर में मतलब 2017 से 2018 जो सेकंड ईयर मेरा स्टार्ट हुआ था उसमें मतलब मैंने फिर थोड़ा सा पढ़ाई में फोकस करा और जो नंबर थे मेरे थोड़े अच्छे आए, और हाँ बट उसमें नंबर मेरे अच्छे क्यों आए मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि उसमें मेरे जो फ्रेंड्स है ना फ्रेंड सर्कल वो अच्छा हो चुका था, तो उसमें मैं कम पढ़ाई करता था बट नंबर अच्छे स्कोर करता था, क्योंकि भाई फ्रेंड सर्कल क्या होते थे जब पेपर होते थे ना तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको एक्चुअली में पता रहता है कि भाई ये क्वेश्चन आने वाला है, तो मैं उनके साथ रहता तो वो मेरे को वही क्वेश्चन पढ़ाते थे, 15-20 क्वेश्चन पढ़ लिए तो उनमें से टपक जाते थे अपना, तो वहाँ पे नंबर अच्छे स्कोर हो गए थे। देन थर्ड ईयर में थोड़ा सा लड़कीबाजी में पड़ गया था तो उसमें बैक भी लगी थी, ठीक है। देखो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, देखो कभी भी तुम्हारी बैक्स वगैरह लग रही है कुछ भी लग रही है भाई ये मत सोचना कि लड़की ने लगाई है, एक्चुअल में देखो लड़की कुछ भी नहीं करती लाइफ में, ठीक है। मैं ये लड़की को दोष नहीं दे रहा मैं किसी लड़की को जो भी है, ठीक है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ कि लड़की की वजह से कुछ नहीं होता भाई। पेपर देने तू गया था, ठीक है, तेरे घर पे तो रहती नहीं थी वो जो तेरा हाथ पकड़ ले भाई आज बाबू तुम मत पढ़ो, ठीक है। और थर्ड ईयर में ये भी होता कि थोड़ा हवाबाजी भी करते लौंडे की, अब तो भाई फाइनल ईयर के अब हवाबाजी भी करेंगे ये वो सो, तो वो सब चीज़ें तुम्हारे साथ भी होंगी। बट एक चीज़ याद रखना कि अगर लड़की तुम्हारी लाइफ में आती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा बैक लगा रही है लड़की, ये बिल्कुल भी अपने दिमाग में रखना। लड़की है, लड़की सुधारती भी है, ऐसी बात नहीं है, लड़की सुधारती भी। तो मेरी जितनी मैं बताऊँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बैक नहीं लगी थी ना, तो मेरी एक ही साथ 4 बैकें लगी थी थर्ड ईयर में, क्योंकि अब मुझे ये लग गया था, मेरे को अपने में कॉन्फिडेंट आ गया था बीटेक के थर्ड ईयर में कि भाई इजी है लाइफ तो चिल है मामला, कोई दिक्कत नहीं अपना सिंपल है। दोस्त भी मेरे पढ़ने वाले थे, अब पढ़ने वाले दोस्त ये थोड़े ना तो मैं साले पेपर में लिख के दे देंगे। देन मेरी 4 बैकें लगी थी, अब जो बैकें लगी थी मैं आप लोग बताता हूँ, मेरे जो 4 बैक थी सबसे खत्म सब्जेक्ट में लगी थी, खत्म मतलब ऐसे, एक तो एमसीक्यू वाले सब्जेक्ट में लगी थी मेरी बैक है, अरे एक पीडीपी करके था यार कुछ ना, अभी वो एमसीक्यू होता है उसमें कुछ सिस्टम रहता है एमसीक्यू टिक कमेंट में, उसमें भी मेरी बैग लगी थी, मतलब बैग लगती है, हाँ भाई बैग लगती है मेरी लगी थी भाई, तो मतलब बहुत तुच्छ, एक जावा में लगी थी मेरी बैग। जावा में क्यों लगी थी मैं आपको सिंपल रीज़न बता रहा हूँ, सर का नाम था गुप्ता सर है वो हिल यूनिवर्सिटी में, और मैं बोलता हूँ कि सर ने सही करा बैग लगाई। एक्चुअल में पता होता भी यही है कि अगर सर ने उस टाइम बैग लगाई तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें तो मैं लाइफ में ना मतलब वो चीज़ वो जो मूवमेंट्स होते हैं ना वो याद आते हैं। सर ने बैक लगाई थी मेरी, सिर्फ एक कॉलन होता है हमारे उसमें, अगर तुम कोडिंग लाइन से हो तो तुम्हें पता होगा कॉलन सेमी कॉलन की वैल्यू, तो मैंने ना सेमी कॉलन ही लगाया था पेपर में। सर ने मैंने देखा पूरी शीट मेरी आई, मैंने बोला यार सर मैं तो कोड पूरा सही है, क्योंकि मैंने बगल वाली लड़की से छापा था वो, उस लड़की का दोनों एग्जीक्यूट हो गए थे, तो मैंने यार मैंने भी से छापा है तो मेरे भी होंगे, ठीक है। उन्होंने सर ने मेरे को देखा की भयंकर के सेमी कॉलन के ऊपर गोला लगा रहा था, मैंने सर ये गोला क्यों, बोला सेमी कॉलन का है, मैंने सर अरे ये तो छूट गया, मैंने सर बोला छूट कैसे गया, फिर तुम प्लेसमेंट में यही गलती करोगे। सर ने दे सीधा बैग लगाते हैं वहीं पे, मैंने अबे यार बट कोई नहीं जब प्लेसमेंट आया तो वो गलती हमारी हट गई। देन थर्ड ईयर के एंड में मैंने बैग बुक अपनी पूरी निकाल दी थी, सारी की सारी क्लियर करी, अपनी घर वालों से झूठ झाट बोल के कि भाई मुझे उस टाइम मेरे पे पैसे नहीं हुआ करते थे मैं, तो मैंने घर वालों से बोला कि भाई वो वाला पेपर है कौन सा है, वो मेकअप पेपर के पैसे दे दो, तो घर वाले थोड़े पावर में आ गए, बोल रहे मेरे को अरे जब वो तेरा बैग वो मेकअप पेपर तेरा दोस्त तू भी दे, तू भी अपने नंबर बढ़ा देना, ठीक है। देन उसका फोर्थ ईयर आया, फोर्थ ईयर में ऐसा हुआ कि हमारे टाइम में 2020 में क्या हो गया था, वो आ गया था कोविड, और कोविड ने हमारी जरा थोड़ा सा वो कर दिया था। उस चक्कर में क्या हुआ, जब कोविड आया तो कॉलेज से मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई, मैं आप लोगों को बता दूँ कॉलेज से मेरी एक कंपनी में भी नहीं गई, और उसका बहुत बड़ा रीज़न है, वो रीज़न मैं आप लोगों को ना मैं तब बताऊंगा जब मैं अपनी कंपनी लेके कॉलेज में हायर करने आऊँगा। बट ये था कि कॉलेज के थ्रू मेरी एक कंपनी में हुआ था, मैंने कोक्यूब्स का एग्जाम दिया था कॉलेज में, तो उस थ्रू मेरा एक दिल्ली में कंपनी थी वहाँ हुआ था, बट कोविड आया मार्च में और मार्च में ही जाना था ख़त्म सब। देन उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया एंड देन यूट्यूब से मैंने अपना अर्निंग स्टार्ट करी। बट इस बीच में मेरे एक चीज़ याद आई कि भाई अपना आस पड़ोस के लोग बहुत बोलने वाले थे कि भाई अब क्या करेगा तू, मतलब बीटेक तो हो गया नौकरी तो कर नहीं रहा। मैंने ना एमटेक डाल दिया यहीं से ग्राफिक से, मैंने 2 साल यहीं ले लेंगे 2020 से 2022, मैंने बढ़िया करके सिस्टम हो जाएगा अपना। देन फिर मैंने क्या बोलते हैं अपना यूट्यूब स्टार्ट किया, 2 साल मैंने अच्छे से वहाँ पे मतलब यूट्यूब में ग्राइंड किया और मतलब बहुत सारी चीज़ें ली यूट्यूब से, मतलब जितने मेरे दोस्त लोग कमा रहे हैं ना मतलब अभी उतने का तो मेरा सेटअप बन चुका है अभी, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूँ जितने भी इन्फोसिस विप्रो में उतने का सेटअप बहुत चीज़ें हैं, मैं तुमको डेली व्लॉग्स में दिख जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें थी। देन फिर मेरे को एक चीज़ याद आई कि भाई अब यूट्यूब से कुछ नहीं होने वाला, अब मेरे को थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब वो करना पड़ेगा अपने को ना, मतलब थोड़ा चेंजमेंट लाना पड़ेगा। फिर मैंने इसने मुझे एक दिन बोला आगे कि भाई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, क्योंकि इसको स्टार्ट करना था बिजनेस, मेरे को कभी आइडिया नहीं था कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा, स्टार्टअप स्टार्ट करूँगा,
बट इसने मेरे को बोला एक महीने पहले बोल दिया था इसने कि भाई स्टार्ट करते हैं। मतलब काफ़ी टाइम से मेरे को मेरे पीछे रहता था कि भाई स्टार्ट करते हैं, इसको ऐसा बंदा चाहिए था जो लॉयल हो, ट्रस्टेड हो, मतलब साथ रहे और मतलब ट्रस्टेड। मतलब मैंने इससे आज तक कभी नहीं बताया, बड़ा इस ब्लॉग में बता रहा हूँ मैंने इसे क्यों लिया। क्यों लिया भाई? क्योंकि ये हाई रिस्क लेना जानता है और मुझे रिस्क लेने वाले बंदे पसंद हैं, और यही एक रीज़न है जो मैंने सुमन नैनवाल मैम को भी बता रखा है। हाँ, कि मेरे को, मैं इसकी सारी वो सुनने की क्षमता रख सकता हूँ, वो जो ये वो टॉर्चर कर रहा होता है मेरे को आपके सामने, बट एक रीज़न है मैम जिस वजह से ये बंदा मेरे साथ है, वो ये है कि हाई रिस्क लेता है और मुझे ऐसे को फाउंडर फाउंडर मैं हमेशा रिस्क लेता हूँ भाई, हमेशा मेरे को डर नहीं लगता भाई कि रिस्क ले लो ये लो। मैं आपको बताऊँ, मैंने जिस दिन ये कैमरा ले रहा था, जिस दिन मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रहा था, मैं कुछ भी चीज़ ले रहा था, 2000 की चीज़ भी ले रहा था ना, उस दिन मेरे को सब लोग बोल रहे थे अबे बेवकूफ़ हो गया, इन चीज़ों में पैसे क्यों लगा रहा, वेस्ट क्यों कर रहा। मैंने भाई मेरे पे अंदर दम है, मैं दे दूंगा आज, अगले महीने एक साल हो जाएगा इस कैमरे को, हर महीने 15,000 रुपये की किस्तें भर रहा हूँ मैं। बट जिस दिन मैंने लिया था उस दिन मेरे को इतने, मतलब इनफैक्ट मैं बोल रहा बाकी को छोड़ो, तुम मेरे घर वालों ने बोला था कमाता दमाता तुम कुछ हो नहीं, कैमरे ले लो तुम लाख लाख के, अभी जब क्या पता क्या बोला, जब किस्तें भरोगे ना और तब पता चलेगा तुम्हें। मैंने चलो ठीक है अब भर रहे हैं, अब ठीक है। फिर मैंने सोचा कि यार देखो अब थोड़ा सा अलग करना है, फिर इसने बताया कि भाई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। बिजनेस भी ऐसा था ना जिस फील्ड में हम हैं ही, हाँ जिस फील्ड में हम बहुत पहले से कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे थे इसमें काम। मैं चलो ठीक है, इसके पास आइडिया था मेरे को, मेरा भी एक आइडिया था कि मेरे को अपना शुरू करना है, बट एग्जीक्यूशन करने में दिक्कत होती है, क्योंकि अश्विन ग्रोवर ने भी ये चीज़ बोली है अपने उसमें इंटरव्यू में, जब वो स्पीच में, कि भाई इंडिया में 135 करोड़ लोगों के पास आइडियाज़ है और एक से एक आइडिया है, बट कोई एग्जीक्यूट नहीं करता, कोई एग्जीक्यूट नहीं करता। क्योंकि इसके अलावा भी मैं कई को फाउंडर्स को ढूंढ रहा था, पिच भी किया था, साले आज भी वही हैं जहाँ कल थे, खड्डे थे। आज भी वही कंफ्यूज है, कल भी वही कंफ्यूज ही थे। ठीक है, बात कनाडा की करते हैं, साले चले गए कहीं इधर कहीं, और मैं आप लोग पड़े होंगे। आप लोगों को भी यही बोलूंगा कि अगर आप लोगों के पास कुछ भी आइडिया आ रहा है, कोई भी आपका एक दोस्त होगा ना, 100 में से 1 दोस्त होगा जिसके दिमाग में सेम वैसा ही आइडिया होगा, एग्जैक्ट तो नहीं होगा बट कहीं ना कहीं 70-80% मिल रहा होगा कहीं ना कहीं वो आइडिया, पता क्या है कि वो आपको ढूंढना पड़ेगा। और एक ये फैक्ट भी है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा ना उससे आपके डीएनए 1% मैच भी कर रहे होंगे, तो वही 1% डीएनए जो मैच कर गए ना आज इसी वजह, बाकी इसके साथ काम करने का इसलिए मेरे को मन करा कि भाई इसके अंदर कंसिस्टेंसी, टाइमिंग, ये सब चीज़ें हैं। मैंने देखो बिजनेस में कल हम 100 करोड़ की कंपनी बना पाए ना बना पाए, भगवान वो भगवान के ऊपर है, बट भाई कंसिस्टेंसी और टाइमिंग ये इस चीज़ में बहुत पंक्चुअल है। अगर ये काम दे दिया तो काम होगा ख़त्म। तो अगर तुम भी, अगर मेरे एज अ, मैं अगर बिगिनर तुम्हें बताऊँ तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि भाई कंसिस्टेंसी और टाइमिंग चाहिए और रिस्क लेने का सीखो भाई, अनलिमिटेड रिस्क लो। मैंने यूट्यूब भी रिस्क लेने से स्टार्ट किया था भाई, अब पता नहीं अभी आगे कितना बड़े बड़े रिस्क लूँगा मैं। बाकी बात करें कि ग्राफी की तरह से क्या क्या सीखा मैंने, देखो ग्राफी की तरह से मैं बहुत चीज़ें सीखा, पहले मैं बोलता भी नहीं था इतना, मैंने तुम्हें बताया, अभी मैं बहुत कुछ बोलने भी लग गया हूँ। आज भी मैं थोड़ा सा डरता हूँ अगर किसी से बात करता हूँ, जैसे बड़े क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, किसी बड़े जाइंट से थोड़ा सा हिचक आता है मेरे पे, बट वो थोड़ा सा 1 सेकंड स्टार्ट का होता है, हेलो हाय तक, उसके बाद जब बताना स्टार्ट करो तो उसका कोई नहीं, बट ये सब भी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, टाइम के साथ हो जाएगा सही। हाँ मतलब हो चुका है, मतलब स्टार्टिंग के बता रहा हूँ, जब अर्ली डेज में हम क्लाइंट्स के पास जाते थे, अब तो कुछ नहीं है बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बाकी बहुत चीज़ें सीखा हूँ, एक ओके छाबड़ा सर थे वो अभी भी हैं ग्राफिक में, मिलते हैं मुझसे बात करते हैं, तो उनने भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। ओकेशन ने मेरे को मतलब एक चीज़ बोली थी कि मतलब उस टाइम मैं काफ़ी परेशान भी था, जब मैं आपको बता रहा बीटेक 2020 में जब पास वो कर रहा था मैं, तो काफ़ी परेशान था लास्ट ईयर में कि प्लेसमेंट कैसे होगी, क्योंकि मेरे साथ के लड़कों की प्लेसमेंट हो चुकी थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। तो ओकेशन ने मतलब मैं बहुत कुछ सोचता था, ओकेशन ने मेरे को एक चीज़ बोली थी, बेटा देख जब तेरा चांद आएगा सबको दिखेगा, अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दे बिना बताए किसी से कोई भी चीज़ पे। मैंने ठीक है, और वो चीज़ मैंने फॉलो कर, आज भी मैं वो चीज़ फॉलो करता हूँ कि मैं कुछ भी शुरू करता हूँ ना बताता नहीं, आज भी मैंने बिजनेस ना डिस्क्लोज नहीं कर रहा था तो मैं कि एक्चुअल में मैं करके आ रहा हूँ, किसी को नहीं पता भाई ये चीज़ें। ठीक है, इसके घर में तो पता भी है, मेरे घर वालों को पता भी नहीं, और मेरे घर वाले मेरे व्लॉग भी नहीं देखते कि मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ। मेरी मम्मी तो ऐसा समझती कि मैं सबसे ख़त्म हूँ दुनिया का, इसके पास कुछ काम नहीं है, ये लौंडेबाज है, और इसके चक्कर में मेरा भी नाम वैसे ही हो रखा है। हाँ, इसके चक्कर मेरे मतलब पूरी टीम का, पूरी टीम का यही है, अंडी सबको एक नज़र से देखती, साले वेल्ले वेल्ले कहेंगे तुम्हारा कुछ काम नहीं है, घर में राशन तोड़ रहे हो, पंखे का बिल आता है हमारा, पंखा चलता है तो बिल फ्लैट लेने वाले हैं, फ्लैट जा रहे हो, ये सब चीज़ें तो होती रहती है, बट वही है ना कि जब अपना चांद आएगा तो सबको दिखेगा, चाहे घर वाले हो चाहे किसी को, तो इसलिए मैं अभी ज़्यादा कुछ बोलता भी नहीं, यही चीज़ें रहती हैं। बाकी अभी देखो 2022 है, 2016 से 2022 की जर्नी यही थी, और इसमें बहुत कुछ सीखा। इतना ही बोलूँगा कि लिमिटेड दोस्त बनाना, अच्छे दोस्त बनाना, क्वालिटी वाले दोस्त बनाना, और कुछ ऐसे दोस्त बनाना कि जो बिजनेस के बारे में बोले, क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी है भाई, देखो ग्राफिक वगैरह से प्लेसमेंट तो ले लोगे भाई, ज़िंदगी में क्या करोगे, बच्चों को क्या बताओगे कि हमने क्या करा, 25 लाख की प्लेसमेंट लेकर आ गए, वो तो पढ़ के कोई भी ले लेगा, उसमें क्या है, पढ़ ली किताबें पढ़ ली हो गया, उससे उखाड़ा गया भाई, रियल लाइफ हसल बताओ कि बच्चों को भाई ये है वो सीख ले। और मतलब
वो कल के दिन तुम मुझसे जब पूछे कि जब 10 फोटोज रखी हो बड़े बड़े लोगों की, उनमें तुम्हारी फ़ोटो भी होनी चाहिए, और फिर जब वो पूछे बेटा किसके जैसा बनना है, तो वो ये नहीं कि मुकेश अंबानी का ऊपर हाथ रख के बोला ऐसा, रतन टाटा के ऊपर हाथ रख के बोला इसके जैसा बनना है। देखो ये सब बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो हम कर रहे हैं, बट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज से मैं 5-7 साल बाद ये वीडियो देखूँ तो मुझे लगे कि अतुल भाई तू वहाँ पे है एक्चुअल में जहाँ पे तूने बोला। तो इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं कुछ बातें बोलता भी नहीं वीडियो में, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई फेक रहा है, बट नहीं भाई मैं एक्चुअल तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने जितना बोला आज तक मैंने उतना करा है। मेरे को जो चीज़ लेनी है जो चीज़ करनी है वो मैं करता हूँ टाइम के हिसाब से, भगवान थोड़ा सा टाइम में ऊपर नीचे करता है बट एक्चुअल में हो जाता है। तो आज का जो व्लॉग था एक तरह से मोटिवेशन समझ लेना, मेरी जर्नी समझ लेना 6 साल की इंजीनियरिंग की, अब मैं आगे क्या कर रहा हूँ तुम्हें सब लोगों को पता है, और अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है।